ये बताएं सर कि आप तो यहाँ छोटी बलिया पंचायत नगर पंचायत के मुखिया उपाध्यक्ष, क्या लगता है 2019 के चुनाव में यहाँ की जनता किस तरफ झुक रही है? देखिए अभी ऐसा है कि वर्तमान में तीन उम्मीदवार वहाँ के मतलब से डॉक्टर संजय सरकार हैं, एनडीए से गिरिराज सिंह हैं और वहाँ प्रतिमार डॉक्टर विनय हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि डॉक्टर तनवीर हसन पिछले 40 वर्षों से इस जिला में रह करके अपने जनसंपर्क से दिन रात लोगों की सेवा करते रहे और इस पिछले 40 वर्षों के कार्यकाल में 24 साल एमएलसी भी है। क्षेत्र में पूरे जिला के अंदर कहीं भी देखा जा सकता है कि उन्होंने सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों से उन्होंने अपनी क्षमता के अनुरूप उन्होंने भरपूर विकास भी किया है। जनता के बीच हमेशा वो जनसरकार में भी रहे हैं, गिरिराज सिंह नवादा से आए, उन्होंने सबसे पहला स्टेटमेंट जो अपना दिया उन्होंने कहा कि बेगूसराय जिला मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि है और 1996 से मेरी इच्छा थी कि हम बेगूसराय से चुनाव करें। उन्होंने अपनी बात कर तो दिया लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो कई वर्षों तक चैनल से रहे, बिहार सरकार में मंत्री के पद पर रहे, केंद्र में मंत्री वर्तमान में भी मंत्री हैं, तो जब वो कहते हैं कि मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि है तो उन्होंने बेगूसराय जिला के लिए वो कहें कि मतलब जिला में उन्होंने आज तक क्यों नहीं पूछ लिया, बेगूसराय जिला से इतना ही लगा तो उन्होंने आज तक तनवीर हसन जीत रहे हैं निश्चित रूप से। ये समीकरण के आधार पर बता दें, समीकरण नहीं कि पिछले 40 सालों का जो जनसरकार है वो सभी जाति धर्म वर्ग में बगैर भेदभाव के उनका जनसरकार रहा है और आज भी वो कायम है। वो लोगों के दिल पर राज करते हैं, उनके किए हुए पाठ और उनके अपने व्यवहार और उनके जो जनसरकार है उसके बेगूसराय जिलावासी उनकी ऋण है और ये समय है उस ऋण को उतारने का। इसलिए बेगूसराय जिला की जनता उनको अपना मत दे करके इस बार उनको पार्लियामेंट में भेजने का। सर आपकी जनसंख्या जो है बेगूसराय संसदीय क्षेत्र में खासकर मुस्लिम वर्ग की वो लगभग 3 लाख के आसपास होगी या उसके ऊपर होगी, आपको लगता है कि आपका ये पूरा का पूरा समुदाय का वोट तनवीर हसन को मिल जाएगा? तनवीर हसन केवल मुस्लिम समुदाय के नेता नहीं, ये अलग बात है कि मुस्लिम समुदाय में भी उतने ही मान है जितने के दूसरे समुदाय और मुस्लिम समुदाय का भी वोट मिलेगा और इसके अलावा सभी जाति धर्म वर्ग सभी समुदाय का वोट मिलेगा, वोट उनको मिल रहा है और मुस्लिम वर्ग का वोट। ये बात तो सही है लेकिन ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम वर्ग का बहुत सारा वोट और महागठबंधन का जो निम्न वर्गीय जो समाज में माने गए या जो हैं उनका वोट कन्हैया कुमार की तरफ झुक रहा है, इसमें क्या? ये केवल सोशल मीडिया या मीडिया का प्रोपेगेंडा है जो ऐसा देखने से प्रतीत होता है कि डॉक्टर कन्हैया कुमार अपनी पूरी ताकत मीडिया और सोशल मीडिया को ऐसा महसूस होता है कन्हैया है और ये दुष्प्रचार करके इस तरह का भ्रम फैला है। आपको क्या नाम है आपका? मोहम्मद रुस्तम। क्या करते हैं आप? सामाजिक कार्यकर्ता है, राष्ट्रीय जनता दल के युवा नगर अध्यक्ष है नगर पंचायत बलिया से। अच्छा, क्या लगता है 2019 का चुनाव? 2019 का चुनाव मोदी के विरोध का चुनाव है। किस लिए विरोध? विरोध उनका जो 5 साल में वो उनकी सरकार बनी, जनता ने अपार बहुमत उनको दिया, अपनी पार्टी का अपना सरकार उनका था, जितने भी वो वादा किए चुनावी मैनिफेस्टो में एक भी वादा अभी कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है जी उससे आप सहमत हैं? एकदम सहमत है। धारा 370 अपस्पाई सब हट जाना चाहिए सेना के लिए? नहीं, ये हटना नहीं चाहिए, जो संविधान में है संविधान के अनुकूल काम होना चाहिए। नहीं, उनका मैनिफेस्टो में तो ये बात वो स्पष्ट बता रहे हैं। तो बता रहे हैं स्पष्ट जनता के बीच। महागठबंधन उनके मैनिफेस्टो का समर्थन करती है? उनके मैनिफेस्टो का समर्थन करती है लेकिन
एक बात है जो संविधान से हट के अगर कुछ काम होता है तो आवाम जनता के बीच से बात जो आएगी उसको करना चाहिए, ये मेरा मानना। सेना पे पत्थरबाज पत्थर फेंके लेकिन सेना कुछ नहीं करे, अगर कुछ करे तो उनको उनके ऊपर FIR करनी चाहिए, ऐसा मतलब कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है। आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, इस बात से हम सहमत नहीं है और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मैंने तो देखा नहीं है। अगर ऐसा होता है तो उनसे बात किया जाएगा। हमारे बढ़िया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नामांकन में उनकी सभा में तिरंगा झंडा के साथ साथ और भी संप्रदाय के झंडे लहराते नजर आते हैं, इससे आप सहमत हैं? देखिए, दो तरह की झंडा होती है, एक पाकिस्तानी झंडा है जो कि हरा रंग से, उसमें भी चांद और तारा का दाग रहता है, उसका कोटेशन कुछ अलग है, और एक इस्लामिक झंडा होता है वो भी उससे सेम मिलता जुलता है। ना कि वायनाड पंचायत का जो कांग्रेस का जो ऑफिस खुला है वो पूरा का पूरा चांद तारा और हरे मार्क से रंगा हुआ है, ऑफिस कार्यालय जी। सहमत है? नहीं, वो सहमत नहीं है, उसमें तिरंगा झंडा के साथ साथ इस्लामिक झंडा एक तरफ आप इस्लामिक झंडे का प्रयोग करते हैं और दूसरे तरफ आप मंदिरों की भी चर्चा करते रहते हैं, आप प्रियंका गांधी मंदिर मंदिर घूमते नजर आ रही हैं, क्या संदेशा देना चाहते हैं भारत को? संदेशा यही देना चाहते हैं कि हम लोग भारत देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। राहुल गांधी अगर उस बहुमत में आते हैं, महागठबंधन बहुमत में आता है, तो महागठबंधन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मानेगा? मानेगा जी। आपको बताएं कि आप तो भवानंदपुर पंचायत के मुखिया हैं, आपकी हालत काफी खराब हो गई है, छत पर से आप गिर गए हैं, उसके बावजूद भी आप तो सहयोग कर रहे हैं मीडिया को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं मुखिया जी कि 2019 का चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं? 2019 की चुनाव जो हो रहा है, जो होगा, इसमें कड़ा मुकाबला है। मेजोरिटी के लोग बीजेपी को नहीं दे रहा है और यादव लोग यहाँ नहीं दे रहा है, एक भी वोट नीतीश कुमार के या बीजेपी, वो राजद के सब पक्ष में जा रहा है। जो हम इस गांव झोपड़ी में जहाँ है, झोपड़ी में अब इतना कंटेस्ट होगा जो बीजेपी भी 40 जो चाह रही है वो नहीं होगा, 50% पर। बेगूसराय की स्थिति क्या रहेगी? बेगूसराय के अभी मान लीजिए नॉमिनेशन भी हुआ है और क्या होगा उसका स्थिति, लेकिन टक्कर होगा यहाँ तनवीर हसन को और गिरिराज से। कन्हैया कुमार तो बहुत हंगामा मच रहा है, कन्हैया कुमार के लिए भी लोग अगर जो एकता होगा, घुमियार क्षेत्र है, घुमियार क्षेत्र क्या है, एक बार राजवंशी महतो भी जीत तो गया था, यहाँ तो हवा में है लोग जो। 2019 में किसको वोट डाल रहे हैं? गिरिराज सिंह को क्यों डालेंगे उनको वोट? तनवीर को क्यों नहीं डाल रहे हैं? कन्हैया को क्यों नहीं डाल रहे हैं? हम लोग इसीलिए बोल रहे हैं कि हम लोग जो आशा फैसिलेटर है ना, इसीलिए मोदी सरकार ने हम लोग को बहुत काम किए हैं, थोड़ा बहुत जो भी मदद किए हैं वो सही किए हैं और आगे करते रहेंगे, इसीलिए हम उन्हीं को वोट डालते हैं। तो इसीलिए उनको वोट डालेंगे? हाँ, जो मेरे प्रति इतना मदद करेंगे क्यों नहीं हम उन्हीं को वोट डालेंगे। जरूर। और क्या मिला, कुछ गैस चूल्हा उल्हा मिला है? गैस चूल्हा उल्हा तो मिला पंचायत में, लेकिन जिनको कांग्रेस सरकार बता रही है, कांग्रेस के राहुल गांधी बोल रहे हैं कि 72,000 रुपया देंगे हमको जो वोट देगा उसको। उससे हमको क्या लेना देना है, पैसा से हमको कोई मतलब नहीं, हमको अपना राज और अपने पंचायत और अपने गाँव समाज में काम को देखना है, कि हमको पैसा थोड़ी देखना है। क्या नाम है मैम आपका? गायत्री देवी। आप बताइए कि 2019 में क्या स्थिति बनेगी चुनाव का? बढ़िया, तो मोदी बाबू को जो सब बता अच्छी है देवे कर में, मोदी बाबू के नहीं देवे। मोदी को क्यों देंगे, राहुल गांधी को क्यों नहीं देंगे? या तो राहुल गांधी, राहुल गांधी तो 72,000 रुपया भी देने, 6,000 का महीना हो गया। नहीं, मोदी बाबू देते तैयो मोदी बाबू को। अच्छा, उसके बावजूद भी देंगे मोदी को ही? हाँ। ऐसा क्या है मोदी में किया? बहुत कुछ कर, उन्हें बैठल तो बहुत कुछ कर दल। आपको कुछ मिला? नहीं मिले तैयो खुश है। तो भी खुश हैं? खुश। क्या कर रहे हैं बेगूसराय में 2019 के चुनाव को लेकर के? 2019 के चुनाव को लेकर हम लोग मोदी का सपोर्टर हैं और आपके विषय में तो लोग बता रहे हैं कि आप कन्हैया के प्रचार में हैं। नहीं नहीं, कन्हैया के प्रचार में हम लोग नहीं है, लेकिन युवक लोग को देख रहे हैं कि कन्हैया के प्रतीक उछाल कर रहा है।